अनुपमा और अनुज को एक करने में, साथ ही अंकुश और बरखा को एक्सपोज करने में देविका देगी अनुपमा का साथ। वेल दोस्तों, स्टार प्लस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा का अपकमिंग ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको देखने को मिलने वाला है किस तरह से अनुपमा अनुज दोनों परेशान हैं। अनुज की ये हालत अनुपमा से देखी नहीं जा रही, जिसके चलते फिर से मेकर्स ने सीरियल में देविका की एंट्री करवाई है और कहीं ना कहीं देविका जो है अनुपमा का सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ शो में बरखा और अंकुश फिर से वापस लौट आए हैं और अनुज का फायदा उठा रहे हैं, उसका पैसा, प्रॉपर्टी, घर सब कुछ अपने नाम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बताते हैं शो में आगे क्या होने वाला है। अनुज जो है भाई जाएगा यहाँ पर अंकुश के पास, जहाँ पर अंकुश अनुज से पूछता है और बता कैसा है, तो अनुज बार बार आध्या का सवाल पूछ रहा है। उसके मन में सबके सामने एक ही सवाल होता है कि मेरी बेटी आध्या कहाँ है, और कहीं ना कहीं अनुपमा ये बात जानती है कि आध्या वापस आ जाएगी तो अनुज पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब इन्हीं चीजों में अंकुश बरखा दोनों को टेंशन हो रही है। अंकुश कहता है कि अनुपमा जो है इसको शायद शक हो रहा है और इसको कुछ ऐसी बात पता है जो ये किसी को नहीं बता रही, क्योंकि मैंने जिस तरह से देखा कि ये ट्रस्ट ही नहीं कर रही थी कि आद्या अब इस दुनिया में नहीं है, ये जानबूझकर कुछ ना कुछ करेगी। तो वहीं पर बरखा कहती है कि अगर आद्या जिंदा होती तो अब तक वापस आ जाती, लेकिन हमने कितना ढूंढा वो हमें भी नहीं मिली थी। तो सब कहीं ना कहीं बोलते हैं कि आद्या अब इस दुनिया में नहीं है और अनुज आद्या के जाने का सारा जिम्मा जो है वो अनुपमा पर थोपता हुआ नजर आता है। अब दिखाया ही जाएगा किस तरह से अनुपमा जो है वो परेशान हो जाएगी। देविका से बात करती है कि देविका देखो किस तरह से अंकुश भैया और बरखा भाभी जो है मिलकर अनुज की प्रॉपर्टी हथियाने में लगे हैं। दूसरी तरफ अनुज जो है पेपर्स लेकर बैठा हुआ है, उसकी हालत आप देख ही सकते हैं। तो वहीं पर यहाँ अंकुश और बरखा जो है वो अलग प्लान बना रहे हैं। अब देविका जो है वो कहती है तू चिंता मत कर अनुपमा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनुपमा कहती है कि आद्या अगर वापस आ गई तो अनुज खुद ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ सागर चिल्लाता हुआ आता है और कहता है अनुडी अब देखो यहाँ पर जो अनुज जी थे वो अपने कमरे में नहीं है, वो लापता हो गए हैं, वो मिल नहीं रहे। जिसके बाद अनुपमा को फिर झटका लगता है और अब वो लोग उसे ढूंढने निकलेंगे, लेकिन देविका अनुपमा मिलकर किस तरह से बरखा अंकुश को सबक सिखाएंगे ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आद्या की एंट्री किस तरह से शो में होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। आपका क्या कहना है दोस्तों शो के अपकमिंग ट्रैक को लेकर, कमेंट करके अपनी राय बताइएगा जरूर। इसी तरह टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के पेज को फॉलो करें।